News 18, India. ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई इस मामले की 6 फरवरी को होगी, लेकिन ये देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई क्या हाईकोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है, ये देखना होगा। जो व्यास जी का तहखाना है, बुधवार को फैसला आता है वाराणसी जिला कोर्ट का, तहखाने में पूजा का अधिकार मिलता है। अमित सिंह, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता लाइव मौजूद है। अमित, ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को क्या कहा गया है, क्या कोई विशेष टिप्पणी की गई है? देखिये, हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्षकार को की पूरी दलील सुनी गई है। साथ ही साथ हिंदू पक्षकार जिस तरीके से कैविएट दाखिल किया था, हिंदू पक्षकार की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने दलील पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्षकार की जो भी दलीलें हैं वो सभी निराधार है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार दोनों की दलीलें सुनने के बाद 6 तारीख की अगली तारीख नियुक्त कर दी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि कहीं से भी उस पूरे एरिया को संरक्षित किया जाए, कोई भी निर्माण कार्य पर ना हो, किसी भी तरीके से उस जगह को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो एक बड़ा झटका के तौर पर इसे देख सकते हैं। रोक रही हूं आपको, जल्दी से आप बताइए कि ऐसी कौन सी दलीलें हैं जो हाईकोर्ट की तरफ से निराधार बताई गई है मुस्लिम पक्ष की। देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से नहीं निराधार बताई गई है, जसप्रीत मैं आपको क्लियर कर दूं, हाई कोर्ट की तरफ से नहीं निराधार बताई गई है। विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्षकार के वकील है, उन्होंने निराधार बताया है मुस्लिम पक्षकार के दलीलों को, और उन्होंने कहा है कि 1993 से तक वहां पर सोमनाथ व्यास का जो पूरा परिवार था उस तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करता था। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला दिया, उसी फैसले को कंप्लायंस में वहां पर पूजन अर्चन शुरू हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर शुरू कराया है। जिसके बाद जो हाईकोर्ट ने साफ तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जहां पर तहखाने का जो जगह है जहां पर पूजन अर्चन चल रही है उस एरिया को संरक्षित कर लिया जाए, वहां किसी भी तरीके का निर्माण कार्य ना हो, किसी भी तरीके से वहां कोई नुकसान ना हो। पूजा पर कहीं से हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। इस वक्त मैं ठीक ज्ञानवापी के बाहर ही हूँ और यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न है और यहाँ पर हर हर महादेव के उद्घोष यहाँ पर लगाया जा रहा है। पूजा पर रोक नहीं है, क्या कहेंगे आप? हाईकोर्ट ने अभी जो सुनवाई हुई है उसमें पूजा पर रोक नहीं है कहा है? नहीं, पूजा पर रोक नहीं, हम लोग अच्छे से गए हैं, अच्छे से आए हैं। अभी हाईकोर्ट में जो मामला चला तो उसकी बात कर रहे हैं, वो हाईकोर्ट बहुत क्लियर हो चुका है, वो तो क्लियर हो चुका है, हमारा है जो मिल रहा है। व्यास जी का तहखाना 1991 में बंद हुआ था, उसके बाद 31 साल बाद हमारा तहखाना खुला, हमें बहुत खुशी है। हमें काशी के प्रमुख 4 मंदिर है, लाट भैरव मंदिर। तो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मतलब यहाँ पर हिंदू पक्ष भी खुश है, लोग खुश हैं क्योंकि उनको पूजा का अधिकार मिला है, 30 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी। एक बार फिर से अमित, आप बताइए कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और